सच तो यह है कि लोग जानते भी नहीं है, किसी की मानते भी नहीं है। लखनऊ आपने देखा कि मीडिया पर कितना बड़ा आक्रमण हुआ, कितनी आपकी वो भी तोड़ी गई, और जिन जिन लोगों का आपने इंटरव्यू लिया, आपने या किसी भी चैनल वाले ने, तो प्रदर्शन करने वाला सिंगल आदमी भी ये नहीं बता पाया CAA क्या है। वो यही नहीं बताया प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। एक सपा के बड़े नेता का इंटरव्यू हम सुन रहे थे, वो कह रहा था हम तो इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि लहसुन 200 रुपया किलो क्यों कर दिया। बोले सीए कहां, यही अर्थ है 20 रुपया किलो होना चाहिए, हम तो इसीलिए प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। तो जो प्रदर्शन करने वाले चाहे मुसलमान हैं चाहे अन्य लोग हैं, उनमें से किसी को पता ही नहीं। कांग्रेस के लोग कहते हैं वो SPG हटा देगी, हम इसलिए कर रहे हैं, तो किसी को ये पता ही नहीं। केवल नेता लोग जिनका मैंने नाम लिया, चाहे कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, आप वाले हों, वामदल हों, ममता वाले लोग हों, ये सारे के सारे योजनाबद्ध तरीके से जिनकी राजनीतिक धरती खसक गई है, पैरों की मिट्टी खसक गई है, वो योजनाबद्ध तरीके से देश को दंगों में झोंकना चाहते हैं। जो अंग्रेजों की स्थिति फूट डालो राजनीति करो, उसके आधार पर ये सारे के सारे लगे हुए हैं। इनका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है ये लोग। मुझे लगता है हम जो कानून लेकर के आए हैं वो राष्ट्र के हित का है, और ये सब जो कार्रवाई करा रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी है, और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई करने वालों के खिलाफ तो ये कार्रवाई होगी। राहुल गांधी राजनीति पप्पू हैं, वो मेक इन इंडिया ग्रेप इंडिया कहते हैं, और कल उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, उन्हें एम्स कहने की जगह उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू एड्स लेकर के आए थे हिंदुस्तान में, तो वो कब क्या कह देगा, क्या कहना उसका। राजनीति में ऐसा व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति विपक्ष में होंगे तो हमारे लिए फायदेमंद है।